हेलो फ्रेंड्स माई सेल्फ विना मिश्रा वर्किंग एज अ फैकल्टी इन द डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन द कॉलेज एसोसिएटेड विद ए के टी यू टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन बेसिकली ऑन द सब्जेक्ट द हीट एंड मास ट्रांसफर द सब्जेक्ट ऑफ बी टेक फिफ्थ सेमेस्टर थर्ड ईयर फ्रॉम ए के टी यू सेलेबस फ्रॉम द ब्रांच ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन आवर प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने डिस्कशन किया था थर्मोडाइनमिक्स के बारे में तो, लॉस के बारे में कंडक्शन के बारे में हीट एंड मास ट्रांसफर में कंडक्शन के बारे में कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में कुछ एनालिसिस हम लोगों ने किया था कॉन्सेप्ट देखा था बाउंड्री लेयर का किस तरीके से एनालिसिस हम लोग करते हैं कंडक्शन कन्वेक्शन में उसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने किया था बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है Uh, कैसे फ्री कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं इसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर्स में किए थे आज हम लोग बाउंड्री लेयर के बारे में बेसिकली डिस्कशन करेंगे एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन कितना होता है उसकी एनालिसिस कैसे करते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे अगर हम लोग बात करें रेनॉल्ड्स नंबर की तो बेसिकली इट्स अ डायमेंशन लेस नंबर यानी इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है इट्स अ क्वांटिटी इट्स अ मैथमेटिकल क्वांटिटी विच बाय बाई विच बाई विच द फ्लो इज बीइंग आइडेंटिफाइड दैट वेदर इट इज़ लैमिनार और टर्बुलेंट यानी कोई भी फ्लो लैमिनार कब होगा टर्बुलेंट कब होगा ये हमें uh, पता चलता है रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू से यानी कुछ मैथेमेटिकल्स इसकी वैल्यू कुछ ऐसे ही होती है जिसकी वैल्यू से हमें ये पता चल जाता है कि वो फ्लो लेमिनार कब होगा टर्बुलेंट फ्लो कब होगा लेमिनार का मतलब क्या है एक स्ट्रीम लाइन फ्लो किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस ना हो एक जो इस्ट्रीम लाइन्स हैं आपस में एक दूसरे पर जो लेयर बाय लेयर जो फ्लूट फ्लो कर रहा है वो लेयर बाय लेर अच्छे तरीके से करता रहे और किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस उसमें ना हो इसके बारे में डिस्कशन हम लोग डिटेल में पहले कर चुके हैं अगर टर्बलेंट फ्लो की बात करें तो वहाँ पर एक तरीके से बहुत हाई वेलोसिटी में फ़्लो होगा और जिसमें डिस्टर्बेंस काफ़ी होगा ये पार्टिकल्स जो हैं एक तरीके से जिग जैक मोशन में मूव करेंगे और जो डिस्टर्बेंस होगा बेस बेसिकली ये डिस्टर्बेंस टाइप ऑफ फ्लो है जहाँ पर फ्रूट पार्टिकल्स कोई एक डेफिनेट लाइन में नहीं फ्लो करते हैं वो आपस में जिग जैक मोशन में रेंडम मोशन में किसी भी पॉइंट पे एक पॉइंट से दूसरे पोजीशन पे जा सकते हैं अगर हम लेमिनार फ्लो की बात करें तो जो फ्लूड पार्टिकल्स हैं उनकी डेफिनेट डायरेक्शन होती है एक डेफिनेट पोजिशन पे लेयर्स में वो फ्लो करते चले जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं बेसिकली लेमिनार फ्लो अब अगर हम लोग बात करें रेनॉल्ड्स नंबर की तो बेसिकली रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ हैविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ मास एज वेल एज वेलोसिटी इन द फ्लो ऑफ फ्लूड एज वेल एज लिक्विड यानी फ्लूड की बात करें या हम लिक्विड की बात करें वो सर्टेन अमाउंट ऑफ मास उसका होगा और वेलोसिटी होगी जिसकी वजह से उसमें मोमेंटम होगा मोमेंटम होने की वजह से हमारे पास इनर्जी फोर्सेस एक्ट करेंगे उसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे और विस्कोसिटी द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एक तरीके से होगी जिसमें जो एडजस्टिंग लेयर होगी आपस में एक तरीके से रजिस्टेंस uh, क्रिएट होगा एक स्ट्रेस क्रिएट होगी उन एडजस्ट लेयर में जिसकी वजह से विस्कॉस्टी इसमें प्रोड्यूस होगी इस विस्कॉस्टी के प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ पे विस्कस फोर्सेस लगेंगे लगेंगे और उस विस्कस फोर्स को निकाल के हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम लोग एक मैथमेटिकल फॉर्म में इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स को डिवाइड करें यानी अगर इनर्शिया फोर्स को एफ आई से डिनोट करें और विस्कस फोर्स को हम लोग एफ से डिनोट करें तो बेसिकली इसका जो रेशियो होगा वो बेसिकली कहलाएगा रेनॉल्ड नंबर सो रेनॉल्ड नंबर इज बेसिकली द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ फ्लू इनर्सिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स यानी इन क्वान्टिटी को हम लोग डिवाइड करके हम लोग रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स है यानी एक तरीके से एक एक यूनिटलेस क्वांटिटी हमको मिलेगी और एक डायमेंशनलैस क्वांटिटी हमको मिलेगी इसलिए ये नंबर बेसिकली डायमेंशनलेस क्वान्टिटी हमारी होती है इसकी वैल्यू अगर हम लोग इसको और एलेबोरेट करें इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स को तो हमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगी फाइनली रो यू एल डिवाइड बाय म्यू जहां पर रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूट यू इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूट एल इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ एंड म्यू इज द विस्कोसिटी यानी विस्कस फोर्स की जो वैल्यू है कांस्टेंट की जो वैल्यू है फ्लूट के लिए प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है फ्लूट के लिए उसको हम लोग म्यू से डेजिग्नेट करेंगे यहाँ पे अगर हम बेसिकली कैनामेटिक विस्कोसिटी के फॉर्म में उसको लिखना चाहें ये तो हमारी डायनेमिक विस्कोसिटी है तो जैसा कि हम लोग को पता है कि जो कैनामेटिक विस्कोसिटी होगी उसकी वैल्यू दिस डिवाइड बाय दिस यानी डायनेमिक विस्कोसिटी को अगर हम uh, रोज डिवाइड कर दे, दें डेंसिटी से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी वो बेसिकली कैनामेटिक विस्कॉसिटी आएगी तो अगर हम लोग कैनामेटिक विस्कॉसिटी के टर्म्स में अगर लिखना चाहें तो इस इक्वेशन को कैनामेटिक टर्म कैनामेटिक विस्कॉसिटी के टर्म्स में भी हम लोग लिख सकते हैं तो अगर डायनामेटिक डायनेमिक विस्कॉसिटी के टर्म्स में अगर वैल्यू आएगी तो ये रो यू एल डिवाइड बाय डायनेमिक विस्कॉसिटी अगर हम लोग कैनामेटिक विस्कॉसिटी की बात करेंगे तो वहाँ पर जो वैल्यू आएगी बेसिकली बात करेंगे तो थोड़ा बहुत चेंजेस वहां पर हो जाएंगे उसके बारे में देखते हैं कि कैसे किस तरीके से फ्लैट प्लेट के में रोनोल्ड नंबर की वैल्यू चेंज होती है उसके एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखते हैं अगर हम लोग पहले तो बात किया था प्लेट के प्लेट के लिए एक सिंपल प्लेट हम लोगों ने ली थी अब अग, अगर हम लोग पाइप के बारे में बात करें तो जाहिर सी बात है ये पाइप फ्लो है आपका ये पाइप आपका दे रखा है इसका डायमीटर आपका दे रखा है और जो रिनॉल्ड नंबर की वैल्यू है वो बेसिकली इन टर्म्स में हम लोग लिखेंगे रिनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू फॉर द पाइप फ्लो रो यू डी एच डिवाइड बाई डायनेमिक विस्कॉसिटी यानी म्यू की वैल्यू डायनेमिक विस्कॉसिटी अगर सेम सिमिलरली अगर हम लोग कैनामेटिक विस्कासटी के टर्म्स में इसको लिखेंगे तो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू म्यू डिवाइड बाय रो या डेंसिटी दे, से हमको डिवाइड करना पड़ेगा वहाँ पे हम लोग लेंथ के फॉर्म में लिख रहे थे कैरेटिस्टिक्स लेंथ के फॉर्म में लिख रहे थे क्योंकि वहाँ पर बेसिकली हमारे पास प्लेट थी प्लेट के केस में डायमीटर तो होगा नहीं जाहिर सी बात है इसलिए अगर हम लोग पाइप के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर डी एच जो है वो बेसिकली कैटेस्टिक डायमीटर या उसको एक हाइड्रोलिक डायमीटर ऑफ द पाइप उसको कंसिडर कर सकते हैं तो डी एच इज द हाइड्रोलिक डायमीटर ऑफ द पाइप यू इज द मेन विलोसिटी ऑफ द फ्लूट मीटर पर सेकेंड में म्यू इज द डायनेमिक विस्कॉसिटी ऑफ द फ्लूट न्यू ये बेसिकली इसको न्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कैनामेटिक विस्कासिटी को अगर हम लोग लेकर के चलें ज द कैनमे टू विस्कोस्टी रो द डेंसिटी ऑफ द फ्लूट डब्लू इज अ मास फ्लो रेट ऑफ द फ्लू बेसिकली यहाँ पे है नहीं लेकिन अगर होगा तो उसको मास फ्लो रेट के फॉर्म में हम लोग ले करके चलेंगे तो ये बेसिकली एक क्वेश्चन है जो यूज होगी हमारी पाइप फ्लो के लिए अब हम लोग वैल्यूज के बारे में अगर हम लोग देखें तो इन जनरल हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं टू थाउजेंड इसकी वैल्यू लेके चलते हैं आर ई की वैल्यू क्रिटिकल नंबर uh, की वैल्यू जहाँ पे वैल्यूज चेंज होती हैं हम लोग जनरली देखते हैं कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है वैसे वैसे फ्लो आपका चेंज होता रहता है जैसे जैसे डिस्टर्बेंस बढ़ेगा वैसे वैसे उसका uh, जो फ्लो आपका बेसिकली चेंज होता रहता है अगर लेमिना फ्लो की बात करें तो वहाँ पर कुछ पैरामीटर्स uh, की वैल्यू कुछ और होती है अगर ट्रिपलेंस फ्लो की बात करें तो वहाँ पर पैरामीटर्स की वैल्यू कुछ और होगी लेमिनार फ्लो के लिए अगर हम लोग रेनॉल्ड uh, नंबर की बात करें तो वो बेसिकली एक सर्टेन पॉइंट से कम होती है यानी किसी भी फ्लो के लिए अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू एक सर्टेन पॉइंट से कम है तो ही हम लोग ये कहेंगे कि वो फ्लो आपका बेसिकली लेमिनार है और अगर सर्टेन वैल्यू उसकी वैल्यू फ्लो किसी भी फ्लो की वैल्यू अगर सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा है तो हम लोग कहेंगे कि वो फ्लो आपका बेसिकली ट्रबलेंट फ्लो है बहुत से केसेस में uh, जो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जहाँ से फ्लो चेंज होता है उसकी वैल्यू कहीं कहीं के पे अलग अलग होती है लेकिन इन जनरल हम लोग कभी कभी 2000 लिख देते हैं कहीं कहीं पे, तो 2300 या बहुत सी जगह पे इन जनरल हम लोग ट्वेंटी भी लिख देखते हैं यानी अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू तो टू से कम है तो हम लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर वो फ्लो जो है वो बेसिकली लेमिनार फ्लो कहलाता है ये जो जो वैल्यू है जहाँ पर हमको ये पता चल रहा है कि फ्लो चेंज हो रहा है इसको हम बेसिकली कहेंगे द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ रिनोल्ड नंबर क्रिटिकल वैल्यू ऑफ रिनोल्ड नंबर तो इसकी वैल्यू अगर हम लोग एक वैल्यू मान के चले इन जनरल टू थाउजेंड मान के चले तो अगर किसी भी फ्लो के लिए रिनोल नंबर की वैल्यू टू थाउजेंड से कम है तो उसको हम लोग बेसिकली लेमिनार फ्लो के लेमिनार फ्लो को कंसिडर करेंगे अगर उसकी वैल्यू किसी भी सर्टेन पॉइंट से ज़्यादा है तो वो तो वो बेसिकली ट्रबलेंट फ्लो बेसिकली हो जाता है लेकिन एग्जैक्टली exactly होता क्या है कि जब फ्लो चेंज होता है लेमिनार से ट्रबुलेंट की तरफ तो एट इंस्टेंट नहीं होता है जब फ्लो चेंज होता है लेमिनार से ट्रबुलेंट की तरफ तो तुरंत फ्लो चेंज नहीं हो जाता है चेंजेस जो होते हैं वो थोड़े समय के बाद हम लोग को देखने को मिलते हैं यानी कुछ सर्टेन वैल्यूज़ के लिए रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू हमें ट्रांजिशन फॉर्म में मिलती है उसके बाद सर्टेन वैल्यू के बाद हम लोग कहते हैं कि इसकी वैल्यू तीन हज़ार चार हज़ार से ज़्यादा अगर इन जनरल हम लोग वैल्यू लेकर चले तो वो उसकी वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो जो फ्लो है आपका वो ट्रबलेंट कहलाता है यानी जो रिनॉल नंबर की वैल्यू है क्रिटिकल रिनॉल नंबर की वैल्यू है वो सर्टेन पॉइंट में जस्ट चेंज नहीं होगी ट्रबलेंट फ्लो के लिए उसकी कुछ वैल्यू एक ट्रांजिशन स्टेट में भी आती है जिसको कहते हैं बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं या ट्रांजिशन फ्लो कहते हैं जहाँ पर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से थोड़ा सा दो हज़ार से थोड़ा सा ज़्यादा होती है लेकिन फ्लो आपका पूरी तरीके से ट्रबुलेंट नहीं होता है वहाँ पर हम लोग कहते हैं कि फ्लो <coughs> चेंज हो रहा है लेमिनार से ट्रबुलेंट की तरफ तो वहाँ पर हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये ट्रांजिशन फ़्लो है लेकिन पूरी तरीके से फ़्लो आपका ट्रबुलेंट नहीं हो पाया है एक फ्लो हम लोग ये एक जो वर्ड यूज़ करते हैं बेसिकली वहाँ पे हम लोग ट्रांजिशन फ्लो के लिए हम लोग बात करते हैं अगर हम लोग प्लेट के लिए बात करें तो हम लोग देखते हैं कि प्लेट के लिए जो वैल्यू होती है फ़ाइव इंटू ट्वेंटी रुपये और फाइव हम लोग लगभग कंसिडर करके चलते हैं और पाइप के लिए इन जनरल हम लोग टू थाउजेंड लेकर के कंसिडर करके चलेंगे जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग फ्लो के बारे में बात करते हैं तो लेमिनार फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कम होगी लेमिनार फ्लो के लिए अगर नंबर की वैल्यू कम है यानी अगर लेमिनार फ्लो के लिए हम लोग बात करें तो इसकी वैल्यू जाहिर सी बात है लेस होगी किससे लेस होगी क्रिटिकल वैल्यू से ठीक है तो इनर्शिया फोर्स विस्कस फोर्स अगर लेमिनार के वैल्यू लेमिनार फ्लो के लिए नॉल नंबर की वैल्यू कम है इसका मतलब क्या है वहाँ पे विस्कस फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है जाहिर सी बात है अगर ये क्वांटिटी हमारी कम होगी तो जो डिवाइड वाली क्वांटिटी है वो हमारी ज़्यादा होगी यानी विस्कॉसिटी हमारी बेसिकली ज़्यादा होगी और इनर्शिया फोर्स की वैल्यू हमारी कम होगी यानी अगर लेमिनार फ्लो के लिए हम लोग बात करें तो वहाँ पर बेसिकली अगर कंपेरेटिव एनालिसिस करें तो वहाँ पर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कम होती है जिसकी वजह से विस्कस फोर्स की वैल्यू हमारी ज़्यादा होती है बेसिकली तो वो एक तरीके से विस्कॉस्टी की वजह से हम लोग ये देखते हैं कि फ्लो आपका हाई डिग्री में लेमिनार फ्लो की तरफ इस्ट्रीम फ्लो की तरफ बढ़ता चला जाता है एक स्मूथ फ्लो हमको मिलता है इस विस्कॉस्टी की वजह से जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि ये बेसिकली लेमिनार फ्लो है अगर हम लोग टर्बुलेंट फ्लो की बात करें टर्बुलेंट फ्लो की बात करें तो अगर हम लोग आर की वैल्यू अगर हम लोग देखें राउंड नंबर की वैल्यू देखें तो यहाँ पर बेसिकली टर्बुलेंट फ्लो के लिए चाहे पाइप के लिए हो चाहे तो फ्लैट प्लेट के लिए हो टर्बुलेंट फ्लो में रॉन्ड नंबर की वैल्यू हमारी ज़्यादा होती है तो अगर टर्बुलेंट फ्लो में टर्बुलेंट फ्लो में अगर नाउंड नंबर की वैल्यू ज़्यादा होगी इसका मतलब ये है कि इनर्शिया फोर्सेस हमारे ज़्यादा होंगे इनर्शिया फोर्सेस हमारे ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि हमारा विस्कस फोर्स की वैल्यू कम होगी ये वैल्यू अगर ज़्यादा है फिर से रिपीट कर दे रहे हैं तो इनर्शिया फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी या विस्कस फोर्स की वैल्यू हमारी कम होगी तो उसको इस तरीके से टर्बुलेंट फ्लो को हम लोग कह सकते हैं कि जहाँ पर विस्कोसिटी की वैल्यू कम इफेक्टिव होती है उस केस में हम लोग ये मानते हैं कि टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है और इनर्शिया फोर्सेस बढ़ जाते हैं इनर्शिया फोर्सेस का मतलब क्या है कि मोमेंटम वाले फोर्सेज जितने होंगे वो हमारे वो सर्टेन वैल्यू के लिए बढ़ जाएंगे और हम लोग ये कहेंगे कि वहाँ पर टर्बुलेंट फ्लो हमारा हो रहा है यानी अगर हम लोग एक कंपेरेटिव एनालिसिस करें तो यहाँ पर विस्कस फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी कहाँ पर लेमिनार फ्लो के लिए और टर्बुलेंट फ्लो के लिए अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर बेसिकली विस्कस फोर्स की वैल्यू हमारी कम होगी या इनर्सिया फोर्स की वैल्यू हमारी ज़्यादा होगी तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो हमारा यूज होता है अगर हम लोग बाउंड्री लेयर के बारे में बात करें तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोगों ने पहले भी कर रखा था थोड़ा सा फिर से इसको देख लेते हैं होता क्या है कि ये हमारा फ्लैट प्लेट दे रखा है एक पॉइंट से फ्लूट एंटर कर रहा है फ्लूड फ्लो कर रहा है यहाँ पर लीडिंग एज है दिस इज नोन एज ट्रिलिंग एज सर्टेन स्पेस पे हमारा फ्लो लेमिनार है जहाँ पर रंडॉन नंबर की वैल्यू एक सर्टेन पॉइंट से कम है हमारी ये हम लोग ये कह सकते हैं विस्कॉस्टी जहाँ पर बेसिकली ज़्यादा है अगर हम लोग टर्बलेंट फ्लो की बात करें तो वहाँ पर टर्बलेंट फ्लो के केस में रोनॉल नंबर की वैल्यू एक सर्टेन पॉइंट से ज़्यादा होगी इसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया तो वो हमारा फ्लो बेसिकली टर्बलेंट फ्लो कहलाएगा टर्बलेंट फ्लो लेमिनार फ्लो और टर्बलेंट फ्लो के बीच में का जो फ्लो होगा जहाँ पर फ्लो चेंज होना शुरू हो जाता है इस लेमिनार फ्लो से टर्बुलेंट की तरफ उसको हम लोग बेसिकली ट्रांजिशन या इंटरमीडिएट रीजन हम लोग इसको बोलते हैं जहाँ पर फ्लो चेंज पूरी तरीके से हो नहीं पाता है लेकिन होना शुरू हो जाता है यानी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज होना शुरू हो जाती है लेकिन पूरी तरीके से चेंज नहीं हो पाती है तो उस केस में हम लोग उसको ट्रांजिशन फ्लो कहते हैं अब अगर फ्लूट के बारे में बात करें तो हम लोग देखेंगे जो फ्लूड है अगर आइडियल फ्लूड की बात करें तो वो बेसिकली इन विस्कस वो इनकम्प्रेसिबल होगा इन विस्कर्स का मतलब क्या है विस्कॉसटी उसमें नहीं होगी जाहिर सी बात है आइडल फ्लूट की अगर हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पर विस्कॉस्टी हमारी नहीं होगी लेकिन अगर हम लोग एग्जैक्टली प्रैक्टिकल कंडीशन की बात करें तो ऐसा फ्लूट एग्जिस्ट ही नहीं होगा जिसमें पूरी तरीके से विस्कासटी ना हो यानी जाहिर सी बात है जितने भी फ्लूट हमारे इन कॉन्ट्रैक्ट में हैं वो सारे फ्लूट रियल फ्लूट होंगे यानी सर्टेन अमाउंट ऑफ विस्कॉसिटी उसमें एग्जिस्ट करेगी अगर इनकम्प्रेसिबिलिटी की बात करें तो बेसिकली हम लोग देखते हैं फ्लूड को प्रेस करने पे वॉल्यूम अगर चेंज ना हो तो इनकम्प्रेसिबल कहलाता है या अगर वॉल्यूम चेंज हो जाए तो वो इनकम्प्रेसिबल नहीं कहलाता या इनकम्प्रेसिबल का मतलब जो कंप्रेसिबल ना हो जो कंप्रेस ना हो ठीक है कंप्रेस नहीं होगा तो चेंज इन वॉल्यूम हमारा जो है वो ज़ीरो होगा इस कंडीशन में हम लोग ये कहेंगे कि जो आइडल फ्लूड जो आइडल uh, फ्लूड या हम लोग आइडल लिक्विड की बात करें या पानी की बात करें तो वो उस केस में हम लोग ये कहेंगे कि आइडल वाटर आइडल लिक्विड वो है या आइडल फ्लूड वो है जिसमें विस्कोसिटी जीरो तो ऐसा लेकिन ऐसा पॉसिबल होगा नहीं तो हम लोग जो अपनी कैलकुलेशन है उसको थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं उसमें जो भी फैक्टर्स आते हैं विस्कोसिटी के उसको हम लोग कंसिडर करके चलते हैं अब अगर फ्लूड हमारा आइडियल है और वो फ्लूड इस प्लेट पे फ्लो कर रहा है फॉर एग्जांपल, ये हमारी प्लेट है और फ्लूड फ्लो हो रहा है इस प्लेट के ऊपर यह हमारा आइडियल फ्लूड है जिसकी वेलोसिटी मान लीजिए यू या यू इंफानाइट कुछ है यह हमारा आइडियल फ्लूड है अगर यह फ्लूड आइडियल है विस्कोसिटी इसमें नहीं है तो होगा क्या एक अगर अलग अलग इससे डिस्टेंस पे हम लोग देखें तो इस डिस्टेंस पे भी वेलोसिटी यू इन्फानाइट मिलेगी हमको जो फ्री स्ट्रीम फ्री स्ट्रीम की वेलोसिटी है इसे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो भी हमें वेलोसिटी सेम मिलेगी यहाँ पर यहाँ पर सारी पॉइंट्स पे हमें वेलोसिटी सेम मिलेगी लेकिन अगर हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट की बात करें इस सरफेस कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो बेसिकली जो पहला मॉलिक्यूल होगा इस सर्फेस के ऊपर वो बेसिकली स्लिप करके आगे बढ़ेगा क्योंकि अगर वेलोसिटी अगर उसमें इसकी वेलोसिटी अगर यू इन्फानाइट है जैसे ऊपर वेलोसिटी है तो उस कंडीशन में वहाँ पर स्लिप करके वो आगे बढ़ेगा स्लिपिंग एक्शन होगा वहाँ पे लेकिन एग्जैक्टली exactly होता क्या है ये हमारे फ्लूट जो है आइडियल नहीं है और रियल फ्लूट की अगर हम लोग बात करें रियल फ्लूट की अगर हम लोग बात करें तो रियल फ्लूट में विस्कॉस्टी होगी रियल फ्लूट में विस्कॉस्टी होगी जिसकी वजह से वहाँ पर एडेसिव फोर्सेज जो हैं वो एक्ट करेंगे एडेसिव फोर्सेज का मतलब एक होते कोएसिव फोर्सेज एक होते एडिटिव फोर्सेज फोर्सेस कोहेसिव सी इन द सेंस जो सेम स्ट्रक्चर uh, में सेम uh, मटेरियल में लग रहे हैं वो कोहेसिव फोर्सेस जो अलग अलग मटेरियल में यूज हो रहे हैं दैट इज एडिसिव फोर्सेस यानी जो फ्लूड है ये सरफेस है इसके इसके बीच में एक एडिसिव फोर्सेज होंगे इस एडिसिव फोर्सेज होने की वजह से जो पार्टिकल्स फ्लूड के कुछ इस सरफेस पे एडहेर हो जाएंगे चिपक जाएंगे ठीक है उस कंडीशन में क्या होगा वो पार्टिकल्स स्लिप नहीं करेंगे वो पार्टिकल्स स्लिप नहीं करेंगे तो कंडीशन ऑफ नो स्लिप इज देयर जब पार्टिकल्स इससे चिपक जाएंगे स्लिप नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारी पतली सी लेयर बन जाएगी ठीक है तो उस पतली सी जो लेयर होगी वो रीजन जो फ्लूट का होगा उसे हम लोग बेसिकली हम लोग कहेंगे दिस इज बाउंड्री लेयर दिस इज द नोन एज द रीजन ऑफ बाउंड्री लेयर वहाँ पे हम लोग बाउंड्री लेयर का कॉन्सेप्ट वहाँ पे राइज होगा जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे नो no स्लिप की कंडीशन होगी तो वहां पर जो वेलोसिटी होगी फ्लूट की वो हमारी जीरो होगी तो अगर हम लोग एक प्रोफाइल ड्रॉ करें वेलोसिटी की तो यहाँ पर जीरो वेलोसिटी यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर बढ़ते चले जाएंगे तो वेलोसिटी हमारी बढ़ती चली जाएगी भले ही यहाँ पे अगर विलॉसिटी फ्री स्ट्रीम की यू एन फाइनाइट है तो हमारी धीरे धीरे विलॉसिटी हमारी बढ़ती चली जाएगी और बढ़ेगी यहाँ बढ़ेगी य यहाँ बढ़ेगी इस तरीके से तो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच जाएगी कहाँ तक पहुँचेगी एक सर्टेन पॉइंट तक एक सर्टेन पॉइंट तक पहुँचेगी इस सर्टेन पॉइंट के आगे हमें पूरी वेलोसिटी मिलेगी जो हमारे जो फ्री स्ट्रीम की वेलोसिटी थी वो हमको मिलती चली जाएगी यानी एक सर्टेन पॉइंट एक ऐसा होगा यहाँ से डिस्टेंस के ऊपर अगर हम लोग चलें तो सर्टेन पॉइंट से हमें जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो हमें उसी वही वेलोसिटी मिलती वही वेलोसिटी मिलती चली जाएगी जो फ्री स्ट्रीम की थी उस डिस्टेंस को उस डिस्टेंस को हम लोग मेजर करेंगे वो हमारी बेसिकली बाउंड्री लेयर थिकनेस के बराबर उसको कंसिडर किया जाता है अब इसकी अलग अलग डेफिनेशन है मैथमेटिकल के फॉर्म में अलग डेफिनेशन है और फिजिकल के फॉर्म में अलग डेफिनेशन है तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि अगर बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हमारा हो रहा है बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हमारा हो रहा है तो उस केस में हम लोग कैसे इसको डिफाइन करते हैं जाहिर सी बात है अगर ऊपर की वेलोसिटी अगर हमारी u इनफाइनाइट है और तो किसी भी x डिस्टेंस पे y डिस्टेंस पे वेलोसिटी हमारी अगर u है किसी भी x डिस्टेंस पे हमारी वेलोसिटी अगर u है तो जहां तक u की वैल्यू अगर जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ाएंगे तो u की वैल्यू हमारी बढ़ती चली जाएगी जहां तक नाइनटी ये जो वेलोसिटी है नाइनटी ऑफ दिस वेलोसिटी ना हो जाए नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ द वलॉसिटी ऑफ द फ्री स्ट्रीम जहाँ तक नहीं हो जाती वहाँ तक हम लोग उस डिस्टेंस को उस रीजन को हम लोग बाउंड्री लेयर कंसिडर करते हैं ये ये मैथमेटिकल टर्म्स की बात है एग्जैक्टली नाइन्टी नाइन परसेंट नहीं होता अगर हम पूरी तरीके से हंड्रेड नहीं कह सकते उसको क्योंकि तो थोड़ा बहुत लॉसेस वगैरह है कर इफेक्ट वगैरह हम लोग लेके चलते हैं तो बेसिकली हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में उसको लिखने के लिए हम लोग ये कह देते हैं कि बेसिकली जहाँ पर बाउंड्री लेयर वो रीजन है जहाँ पर जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे वेलोसिटी जहां पर नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ दफ़ द फ्री स्ट्रीम पहुंच जाएगी वो डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे उससे हम लोग उसके नीचे का जो भी रीज़न होगा उसको बाउंड्री लेयर रीजन कहेंगे और उस उसको हम लोग बाउंड्री लेयर बेसिकली कंसिडर करके चलेंगे तो अगर एक कर्व ड्रॉ किया जाए तो पैराबोलिक कर्व बनेगा इसमें वेलोसिटी का वो कर्व ये बताएगा आपका कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे वेलोसिटी हमारी जीरो होती चली जाएगी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वेलोसिटी हमारी बढ़ती चली जाएगी और जहाँ कहाँ तक बढ़ती चली जाएगी 99 परसेंट तक तो ये डिस्टेंस हमारी बाउंड्री लेयर थिकनेस हमारी कहलाएगी अब यहाँ पे हम लोग को ये देखना पड़ेगा सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखाया गया है अगर बाउंड्री लेयर हमारी लेमिनार रीजन में हो रही है तो वो लेमिनार बाउंड्री लेयर कहलाएगी अगर वो कोई बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हमारा टर्बुलेंट में हो रहा है तो वो हमें बेसिकली टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का कॉन्सेप्ट वहाँ पे आएगा यहाँ पर देखिए नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ यू यहाँ पर कंसिडर करके चला गया है क्योंकि ये थिकनेस हम लोग लेकर के चल रहे हैं वेरिएशन हम लोग को पता है और ये टर्बुलेंट फ्लो में जो वेरिएशन हो रहा है बेसिकली वो लॉक के टर्म में हम लोग ले कर के चलेंगे एक ऐसा रीजन यहाँ पर टर्बुलेंट में होता है जहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हमारी लेमिनार की आती हैं तो वहाँ पर जो बाउंड्री लेट थिकनेस जो कंसिडर होती है हम लोग वो बेसिकली यहाँ पर हम लोग उसको लेमिनार सब लेयर कहते हैं क्योंकि वो टर्बलेंट की रीजन में होगी लेकिन प्रॉपर्टीज़ उसकी कहीं ना कहीं लेमिनर फ्लो से मैच करती चली जाएंगी तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है और अब बाउंड्री लेयर को डेफिनेशन को और देखने के देखने के लिए हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए जो लेयर्स आपस में हैं एक रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट कर रहा है जैसे ही जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस बढ़ रही है तो एक लेयर में आपस में रिलेटिव मोशन हो रहा है ठीक है एक लेयर में आपका रिलेटिव मोशन हो रहा है जैसे इस अगर बाउंड्री लेयर के ऊपर हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ पर देखिए वहाँ पर किसी भी तरीके का रिलेटिव मोशन नहीं है जो ज, जो विलासिटी इस लेयर की है वही विलासिटी इस लेयर की है यानी दो लेयर बाउंड्री लेयर के ऊपर जो हैं वो आपस में रिलेटिव मोशन नहीं है वो स्टेशनरी है दोनों आपस में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है इस तरीके दोनों आपस में लेयर uh, आगे होकर के फ्लो करते चले जा रही है विस विद वेलोसिटी यूफाइट लेकिन अगर हम लोग बाउंड्री लेयर के रीजन की बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वो हमें हमें बेसिकली वहाँ पर रिलेटिव मोशन मिलेगा डिफरेंट लेयर पे यानी ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी कुछ और होगी नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी कुछ और होगी ये बेसिकली एक रिलेटिव मोशन हमको मिलता रहेगा तो इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि बाउंड्री लेयर इज़ द रीजन वेयर द वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी एग्जिस्ट रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन डिफरेंट लेयर एग्जिस्ट इसको इस तरीके से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं और अगर हम लोग बात करें कि बाउंड्री लेयर के बाहर के रीजन के बारे में तो वहाँ पर भी हम लोग कह सकते हैं कि बाउंड्री लेयर का रीजन एक वो रीजन होता है जिसके बियॉन्ड रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट ना करें जिसमें रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट करें ठीक है तो वहाँ पर अगर बाउंड्री लेयर के रीजन में हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पर बेसिकली डिफरेंट लेयर्स में रिलेटिव मोशन हमारा एग्जिस्ट करेगा अगर रिलेटिव मोशन हमारा एग्जिस्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो जो लेयर्स है आपस में इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है इसकी वेलोसिटी कम है तो जो उन दोनों के बीच के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कहीं ना कहीं रोटेशन उसमें आएगा वो रोटेट करेंगे अपने एक्सिस पे यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है रोटेशनल फ्लो का ठीक है यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है बेसिकली रोटेशनल फ्लो का और अगर हम लोग बाउंड्री लेयर के ऊपर के बारे में बात करें तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे जो फ्लो होता है वो इररोटेशनल होता है क्योंकि जाहिर सी बात है जब रिलेटिव मोशन नहीं है तो दो लेयर के बीच का जो मॉलिक्यूल है वो अपनी एक्सेस पर घूम नहीं रहा है यानी रोटेट नहीं कर रहा है तो उसको बेसिकली हम लोग इररोटेशनल फ्लो कंसिडर करके चलते हैं और यहाँ पर जो फ्लो होगा वो हम लोग इन जनरल रोटेशनल फ्लो हम लोग कंसिडर करके चलेंगे और उसको हम लोग प्रॉपर्टीज को इसमें एड ऑन करेंगे तो ये बेसिकली ये फ्लो शो कर रहा है कि किस तरीके से बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन लेमिनार रीजन में हो रहा है टर्बिनेंट रीजन में हो रहा है और ट्रांजिशन रीजन में किस तरीके से हो रहा है यहाँ पे थिकनेस जो है बेसिकली हमारी बढ़ती चली जा रही है जो बाउंड्री लेयर बेसिकली अगर हम लोग बात करेंगे तो अलग अलग पॉइंट्स में अगर हम लोग सारे पॉइंट्स को अगर हम लोग मिला दें जहाँ पर वेलोसिटी ट हो जा रही है तो हमें बेसिकली लोकस मिलेगा ये जो लोकस है ये बेसिकली आपको दिखाता है कि बाउंड्री लेयर कहाँ से शुरू होकर के कहाँ तक हमारी जाती है तो इस तरीके से इसके बारे में हम लोगों ने आ, बात किया बाउंड्री लेयर के डेफिनेशन के बारे में कॉन्सेप्ट के बारे में जाना इसके बारे में एनालिसिस हम लोग आगे करेंगे आगे के लेक्चर्स में और हम देखेंगे कि किस तरीके से बाउंड्री लेयर किन किन तरीके से यूज़ होती है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या होती है मोमेंटम थिकनेस क्या होती है और एनर्जी थिकनेस बेसिकली क्या होती है क्या होती है ओके थैंक्स चलो